हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे सॉफ्टवेयर के पार्ट वन और पार्ट टू। हमने पिछली कक्षाओं में देखा सॉफ्टवेयर के पहले पार्ट में हमने देखा था सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर के क्या क्या मेजर टाइप्स हैं, जिनमें से तीन बड़े प्रकार आए थे। पहला प्रकार सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा प्रकार एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तीसरा प्रकार सिस्टम सॉफ्टवेयर यूटिलिटी। पहले प्रकार को हमने देखा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होंगे जो कंप्यूटर को चलाने के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, जिनकी वजह से कंप्यूटर चलेगा या जो कंप्यूटर को चलाते हैं। दूसरे पार्ट में सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही एक इंपॉर्टेंट भाग है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसे किसी कंप्यूटर की आत्मा कहा जाता है। हमने पार्ट टू में ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिटेल से जाना, आज हम पार्ट थ्री में उसी सॉफ्टवेयर के पहले प्रकार को ही और डीपली अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम के दो प्रचलित ऑपरेटिंग सिस्टम है जो वर्तमान में दुनिया में चल रहे हैं वो कौन से हैं। दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं जो सर्वाधिक प्रचलित हुए हैं। पहला ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस, दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज। आज हम दोनों को न केवल विस्तार से जानेंगे बल्कि उनके बीच तुलनात्मक अध्ययन भी करेंगे, कंपैरेटिव लर्निंग करेंगे। डॉस, जिसका पूरा नाम होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज, जिसका पूरा नाम होता है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। ये न केवल दो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये दोनों आपस में एक बड़ी विचारधारा है, दोनों के अलग कॉन्सेप्ट हैं, दोनों के अलग इंटरफेस हैं, दोनों पर काम करना अलग तरीके से होता है, दोनों कंप्यूटर को चलाने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे DOS, जो कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। दोनों करते क्या है, दोनों का काम क्या होता है, वर्किंग कैसे होती है। सबसे पहले DOS, जैसा कि बताया डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यह डिस्क पर काम करेगा, यानी कंप्यूटर के बूटिंग सिस्टम से लेकर कंप्यूटर की फाइल मैनेजमेंट, नेटवर्क मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट का काम भी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो हम आज जानेंगे डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम यानी डॉस और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करते हैं, इनका वर्किंग नेचर क्या होता है और ये किस प्रकार से कंप्यूटर में वर्क करते हैं। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने के लिए दो प्रकार के इंटरफेस होते हैं, वो दोनों इंटरफेस इंपॉर्टेंट होते हैं। यदि हम उन दोनों इंटरफेस को अच्छे से समझ लेंगे तो इन दोनों डॉस या और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की वर्किंग हमें समझ में आ जाएगी। उन दोनों इंटरफेस का नाम है, एक का नाम है GUI और एक का नाम है CUI। ये दो प्रकार के इंटरफेस होंगे। इंटरफेस के साथ लेकर वातावरण से होगा, यानी कंप्यूटर किस प्रकार के इंटरफेस में काम कर रहा है, किस प्रकार का वर्किंग नेचर होगा, यूजर को कैसा इंटरफेस मिलेगा, यूजर को कैसी सेवाएं दी जाएंगी, इन सब का काम इन दोनों इंटरफेस पर डिपेंड होगा। CUI यानी कमांड यूजर इंटरफेस, इसका फुल फॉर्म होगा कमांड यूजर इंटरफेस, और GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। CUI कमांड यूजर इंटरफेस केवल और केवल यूजर के द्वारा दिए गए कमांड्स के अकॉर्डिंग ऑपरेट करेगा। जैसे कमांड्स, जैसे निर्देश यूजर के द्वारा दिए जाएंगे वैसे ही कंप्यूटर ऑपरेट करेगा, यह CUI पर डिपेंड। दूसरा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI का फुल फॉर्म ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, अर्थात आपको यानी यूजर को कार्य करने के लिए एक ऐसा इंटरफेस मिलेगा जो पूर्णतः कलर होगा, रंगीन होगा, प्रत्येक कार्य के लिए प्रत्येक ऑप्शन पर क्लिक करने के लिए आइकन मिलेंगे, चित्र मिलेंगे, जिन आइकन्स पर आप क्लिक करके अपने निर्देशों को एग्जीक्यूट कर सकते हो। ये दो बड़ा अंतर होता है, CUI और GUI दो बड़े इंटरफेस है, दोनों का अलग अलग अंतर है, दोनों का अलग अलग काम है। CUI कमांड यूजर इंटरफेस में यूजर को हर काम करने के लिए कमांड देना पड़ता है, हर कमांड टाइप करके देना पड़ता है, प्रत्येक कमांड स्पेलिंग करेक्ट होनी चाहिए, प्रत्येक कमांड को सही तरीके से लिखा जाना चाहिए, केस सेंसिटिव तो नहीं होता है लेकिन स्पेलिंग सही होनी चाहिए प्रत्येक कमांड से। CUI को चलाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस होता है, यानी
जो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सीयूआई इंटरफेस पर कार्य करता है और जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है वो जीयूआई ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस पर कार्य करेगा। जिसका मतलब ये है जब आप डॉस पर काम करोगे तो यह एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा जहां पर आपको काम करने के लिए प्रत्येक कमांड को टाइप करके देना पड़ेगा। यानी यदि किसी फाइल को ओपन भी करना है तो आपको टाइप कमांड लिखना पड़ेगा, यदि किसी फोल्डर को ओपन करना है तो आपको सीडी कमांड लिखना पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि डॉस एक ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन होगी जहां पर आपको काम करने के लिए प्रत्येक कमांड को टाइप करना पड़ेगा और टाइप करके ही आप उस पर अपना काम कर सकते हो। इस प्रकार से डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है। दूसरा बड़ा अंतर, विंडोज आज पूरी विश्व में छाया हुआ है, पूरी दुनिया उसे चला रही है, उसका मुख्य कारण यह है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की स्क्रीन रंगीन होती है। इसमें प्रत्येक काम के लिए आपको आइकन्स बने होते हैं, चित्र बना होगा, इंटरफेस बना होगा जहां पर आप आइकन्स पर क्लिक करके आप काम करोगे। तो ये दो बड़े इंटरफेस हैं जिनको दो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम काम करते हैं। अब अगर हम डॉस को विस्तार से जाने तो डॉस एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें मैंने अभी आपको बताया कि कमांड्स पर काम करना पड़ेगा, कमांड्स को लिखकर निर्देश देने पड़ेंगे, बिना कमांड के आप डॉस में काम नहीं कर पाओगे। इवन यदि आपको डॉस से बाहर भी आना है तो आपको एग्जिट कमांड लिखना पड़ेगा। इसी प्रकार से डॉस में काम करने के लिए आपको दो प्रकार के कमांड्स मिलते हैं। डॉस पर वर्क करने के लिए आपको दो प्रकार से कमांड मिलते हैं, एक होता है इंटरनल कमांड्स और दूसरा होता है एक्सटर्नल कमांड्स। तो ये दो प्रकार के कमांड होंगे डॉस में काम करने के लिए, आपको दो बड़े प्रकार के कमांड्स का प्रयोग करना पड़ेगा, एक होगा इंटरनल कमांड, दूसरा होगा एक्सटर्नल कमांड। यानी आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या काम करना है और वह काम किस प्रकार के कमांड्स में आता है। जैसे मैंने बताया डॉस के दो प्रकार होंगे, डॉस कमांड्स के इंटरनल और एक्सटर्नल, फाइल ओपन करना और फोल्डर ओपन करना, सीएलएस करना, क्लियर स्क्रीन, स्क्रीन साफ करने के लिए सीएलएस कमांड लगेगा, ऐसे सारे कमांड्स इंटरनल में आते हैं। मैं कुछ इंटरनल कमांड्स के नाम आपको सामने लिख देता हूं जिससे पता चलेगा कि कौन कौन से कमांड हैं जो इंटरनल कमांड्स में आते हैं और कौन कौन से कमांड हैं जो एक्सटर्नल कमांड्स में आते हैं। ये टाइम, डेट, वर्जन, वॉल्यूम, सीडी, ऐसे कुछ पांच इंटरनल कमांड्स हैं। और एक्सटर्नल कमांड्स में आएंगे तो जैसे है एग्जिट, मूव, टाइप, ट्री, एडिट, ये कुछ एक्सटर्नल कमांड्स हैं। इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड्स का शाब्दिक अर्थ ये होता है ऐसे कमांड्स जो डॉस की मेमोरी में, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम की मेमोरी में इनबिल्ट हैं, अंदर से स्टोर्ड है, जिन्हें जिनके लिए किसी बाहरी फाइल की आवश्यकता नहीं है, वो सारे कमांड्स इंटरनल कमांड्स कहलाते हैं। और एक्सटर्नल कमांड्स का मतलब ऐसी फाइल्स या ऐसे कमांड्स जिन्हें हमें बाहर से लेकर आना पड़ता है वो एक्सटर्नल कमांड्स कहलाते हैं, जैसे ट्री है, मूव है, एग्जिट है, एडिट कमांड्स हैं, ऐसे सारे कमांड्स आपके एक्सटर्नल कमांड्स कहलाएंगे। तो ये है डॉस जिसकी स्क्रीन ब्लैक एंड व्हाइट रहेगी, सीयूआई इंटरफेस होगा, हर काम के लिए आपको कमांड देना पड़ेगा, ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन होगी, कमांड्स को याद रखना पड़ेगा, सही स्पेलिंग लिखकर टाइप करके ही आप निर्देशों को देंगे, एग्जीक्यूट कराएंगे, इस प्रकार की वर्किंग डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में होती है। दूसरा अब आते हैं एक बड़े ऑपरेटिंग सिस्टम में जिसने विश्व में इस समय अलग ही क्रांति मचा रखी है, जिसका नाम है विंडोज। विंडोज बहुत पहले से चला आ रहा है, विंडोज 95, 98, विस्टा, एक्सपी, 2000, 2003, 2007, 2010, 2011, ये सब विंडोज के अलग अलग वर्जन है जो साल दर साल विंडोज का क्रमिक विकास होता रहा है और आज आपको एडवांस विंडोज की विंडो स्क्रीन मिल रही है। उस विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ने शुरू में सबसे पहले जो एक चेंजेस आया वो आया कलरफुल होना, प्रत्येक काम के लिए कमांड को टाइप करके नहीं देना बल्कि स्क्रीन पर, रंगीन स्क्रीन पर दिख रहे आइकन पर क्लिक करके आपको काम करना है, ऐसा इंटरफेस जीयूआई इंटरफेस कहलाता है जो विंडोज में मिलेगा। और विंडोज के कई प्रकार के वर्जन जो मैंने आपको बताए जिनका सतत क्रमिक विकास होता रहा है आज हम चलाते हैं। विश्व में सर्वाधिक चलने वाला विंडोज का वर्जन होता है 2007, वर्तमान में हम विंडोज का 2011 वर्जन चला रहे हैं।
विंडोज में हर काम करने के लिए आपको फाइल फोल्डर देखना है, माई कंप्यूटर देखना है, कंट्रोल पैनल देखना है, किसी एप्लीकेशन को ओपन करना है, किसी एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करना है, उसके लिए कंट्रोल पैनल है, स्टार्ट बटन है, टास्क बार है, कंट्रोल बटन है, नेविगेशन बटन्स हैं, ये सारे कस्टमाइज टूल्स और कस्टमाइजेशन बटन्स आपको मिलती हैं, ये सब आपको विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में मिलता है। तो सॉफ्टवेयर के तीसरे पार्ट में आज हमने शॉर्ट में देखा डॉस वर्सेस विंडोज, दोनों अलग अलग प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम है, दोनों इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है, दोनों कंप्यूटर की आत्मा है, लेकिन दोनों का वर्किंग नेचर आज हमने देखा, दोनों का वर्किंग नेचर एवं वर्किंग मैकेनिज्म बिल्कुल अलग होता है। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आएगी, ऐसे ही वीडियो को देखते रहें और पसंद करते रहें।